हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अलवेज इनर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जो थर्ड T20 मैच खेले जाने वाला है। इस मैच की डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल की। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में दी है। जैसे आप जाओगे और फर्स्ट कॉमेंट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो टेलीग्राम चैनल की लिंक ओपन होगी उस पर क्लिक करके सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ 50,000 रुपये का फ्री गिफ्ट आपके रखा है, तो आप इजिली पार्टिसिपेट करके दोस्तों यहाँ पर विन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे इस मैच में आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए और ये मैच इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी होने वाली या नहीं होने वाली। तो बता दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट लो करना है और मेरा सारा का सारा जो फोकस होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेगा लीग पे होने वाला है। तो मेगा लीग का जो वीडियो आएगा वो 11 बजे आएगा, उस वीडियो में हम मेगा लीग की 6 टीम्स बनाने वाले। अगर आप मेगा लीग प्ले करें तो उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करेंगे तो आपको 2-3 मेंबर्स में करना है इन्वेस्टमेंट, 4 मेंबर्स में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये मैच काफ़ी ज़्यादा रिस्की होने वाला है और किस तरह से रिस्की होगा ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। अब सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कि विकेट कीपर सेक्शन में हमारे पास 3 ऑप्शन है, लेकिन 3 ऑप्शन में से दिनेश कार्तिक या फिर यहाँ पे देखा जाए ऋषभ पंत, इन दोनों में से कोई एक प्ले करेगा, एक जो है वो प्ले नहीं करेगा। उसके बाद अगर बात करेंगे तो हम मैथ्यू वेड को स्मॉल लीग की टीम में ट्राई करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे बैटिंग सेक्शन की तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है। क्या हमें 5 बैट्समैन को लेना चाहिए? अगर हमने 5 बैट्समैन को पिक किया तो आपको यहाँ पे जो है वो सी ग्रीन को ड्रॉप करना पड़ेगा या फिर अक्षर पटेल को, दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा जो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा। ऐसे में दोस्तों हमें 4 ही बैट्समैन को पिक करना चाहिए। फिर रोहित शर्मा है, एरन फिंच है, के राहुल है। अब यहाँ पे दोस्तों बात ये आएंगी कि हमें सूर्य कुमार यादव या विराट कोहली, इन दोनों में से किसी एक को ही पिक करना होगा। उसके बाद नीचे में बात करेंगे तो टीम स्विंथ भी अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन कर सकते लेकिन इनको ड्रॉप करना पड़ेगा। टीम डेविड की बात करेंगे, इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है तो इनको तो ड्रॉप करेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करेंगे, अगर 5 बैट्समैन को लोगे तो 2 ऑलराउंडर को पिक करना होगा, अदरवाइज 3 ऑलराउंडर को पिक करेंगे तो हमें 4 ही बैट्समैन को पिक करना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर बात करेंगे तो ग्लेन मैक्सवेल को ड्रॉप करना पड़ेगा जो कि बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट दे सकते हैं। लास्ट मैच बॉलिंग नहीं की लेकिन इस मैच बॉलिंग कर सकते। डेनिस सैम्स खेलेंगे नहीं खेलेंगे कन्फर्म नहीं है दोस्तों। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं ये तीनों ही प्लेयर इंपॉर्टेंट हो गए, तीनों में से किसी को भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए। एडम जेम्पा को ड्रॉप तो कर सकते हैं लेकिन एडम जेम्पा की अगर बात करेंगे तो सेम पिच पे अगर देखा जाए तो स्पिनर को भी उतना ही सपोर्ट मिल रहा है जितना यहाँ पे पेसर को सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे एडम जेम्पा को ड्रॉप नहीं कर सकते। और बात अगर करेंगे दोस्तों यहाँ पे जसमीन गेज, ओके, अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे पैट कुमिंस, तो पैट कुमिंस को ड्रॉप कर सकते हैं। युजवेंद्र चहल को ड्रॉप करेंगे, नथान लिस अगर खेलेंगे तो ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन होने वाले। हर्षल पटेल को ड्रॉप करेंगे, सीनाबॉट इस मैच में प्ले करने के चांसेस दोस्तों कम है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 ऐसे प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ेगा जो पॉइंट तो दे सकते लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन दोस्तों नहीं है। अब सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे जो है टीम बनाने वाले हैं। और सबसे पहले बात अगर करेंगे तो वेन्यू की, कि किस पिच पे मैच खेला जाएगा। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम है दोस्तों हैदराबाद का। और बता दो दोस्तों ये जो मैच खेला जाएगा 7 बजे खेला जाएगा, तो आपको ऑनलाइन जब रहना है 6:30 पे आपको ऑनलाइन रहना है दोस्तों। और बता दूं कि यहाँ पे भी देखा जाए तो नागपुर में जैसी बारिश हुई थी तो यहाँ पे भी बारिश होने के चांसेस 30% चांसेस है दोस्तों, क्योंकि देखा जाए तो वेदर क्लाउडी रहने वाला है। और अगर बारिश होगी तो फिर से टॉस डिले हो जाएगा और फिर जो ओवर होगी वो कम होगी, फिर से यहाँ पे 2 से लेकर 5 ओवर कम होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बारिश होने वाली है यहाँ पे। अगर पिच रिपोर्ट की बात करेंगे तो आप देखा जाए दोस्तों यहाँ पे इस पिच पे ग्रास नहीं है, इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे पेसर को तो सपोर्ट मिलेगा लेकिन साथ ही साथ बैट्समैन को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और आपको यहाँ पे एक बेहतरीन स्कोर देखने को मिलेगा। चाहे इंडिया की टीम बैटिंग करे या फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग करेगी, जो टीम बैटिंग करेगी वो यहाँ पे 170 से लेकर 190 का स्कोर बना सकती है। देखिए लास्ट के 3 मैचेस का रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैचेस खेले गए थे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आईपीएल में मैच खेला गया था लेकिन 29 अप्रैल 2019, यहाँ पे 12 मई 2019, ये भी 2019 को, और यहाँ पे देखा जाए 6 दिसंबर 2019, तो 2019 के बाद यहाँ पे कोई भी मैच नहीं खेला, मतलब 3 साल पहले के मैचेस है, ठीक है। 3 साल पहले के बाद यहाँ पे कोई भी T20 इंटरनेशनल या फिर IPL का मैच नहीं खेला, तो ये जो पिच है वे काफ़ी ज़्यादा पुरानी पिच है। जो भी हमें पिच रिपोर्ट मिलेगी फाइनल, उसके अकॉर्डिंग हम टीम बनाने वाले। अभी अगर पिच रिपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो स्कोर बन रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे 200 प्लस का स्कोर है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे तो आप देख सकते यहाँ पे भी 150 का स्कोर है, और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी 200 प्लस का स्कोर है। मेरे हिसाब से जो स्कोर बनना चाहिए 170 से लेकर यहाँ पे 190 के बीच में या फिर 200 प्लस का भी यहाँ पे स्कोर दोस्तों बन सकता है। अब विकेट की बात करेंगे कि इस पिच पे विकेट जाते हैं कि नहीं जाते, बिल्कुल विकेट जा रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 विकेट, यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में 8 विकेट, यहाँ पे दोस्तों देखा जाए यहाँ पे 5 विकेट, तो विकेट भी जरूर जाएगी और साथ ही साथ बैट्समैन को भी सपोर्ट मिलेगा। बैटिंग फर्स्ट टीम ने 2 मैच जीते, बैटिंग सेकंड टीम ने 1 मैच जीता है। और दोस्तों बात अगर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट पेसर को मिलता है, लेकिन इस मैच में पेसर को भी उतना ही सपोर्ट मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि जॉश शेरवुड ने 2 विकेट निकाले, जसप्रीत बुमराह ने यहाँ पे 2 विकेट निकाले, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अक्षर पटेल को विकेट नहीं मिला। अक्षर पटेल भी 3 विकेट निकाल सकते हैं जैसे कि लास्ट मैच में निकाला था, और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है
एडम झिम्पा की बात करें तो एडम झिम्पा भी विकेट निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको भी बता दूँ कि अक्षर पटेल की अगर बात करेंगे, लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले थे, मेरी गलती से कहा है, फर्स्ट मैच में इन्होंने 3 विकेट, लास्ट मैच में 2 विकेट दोस्तों निकाले थे। अक्षर पटेल इंपॉर्टेंट होगी कि नहीं होगी ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल मैचेस की बात करेंगे तो आप देख सकते 64 मैचेस में से बैटिंग फर्स्ट टीम ने 28 मैचेस विन किए दोस्तों, और यहाँ पे देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम होती है वो मैचेस विन करती है। और हाई स्कोर की बात करेंगे तो 231 का स्कोर है सनराइजर्स हैदराबाद का, मुझे लगता है 200 प्लस का स्कोर बनना चाहिए अगर बैटिंग लाइनअप अच्छी होती है और विकेट नहीं जाते हैं तो। लोएस्ट स्कोर की बात करेंगे, अगर विकेट जाएंगे तो फिर आपको जो स्कोर देखने को मिलेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 140-150 तक देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कोर बनता है 150 के नीचे का बनता है, लेकिन पिच पे ग्रास नहीं है इसका मतलब बैट्समैन को सपोर्ट मिलेगा तो स्कोर आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। टीम न्यूज़ की बात करेंगे तो रविचंद्रन अश्विन को युजवेंद्र चहल की जगह पे स्थान दिया जा सकता है, लेकिन कंफर्म न्यूज़ नहीं है, स्थान दिया जा सकता है एक हमारी न्यूज़ निकल के आई है ESPN की तरफ से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात अगर करेंगे सीन अबाउट या फिर डेनियल सैम्स, इन दोनों में से कोई एक ही प्लेयर खेलेगा, और उनके जगह पे अगर यहाँ पे डेनियल सैम्स नहीं खेलेगा तो नथान एलिस अगर फिट होते हैं तो नथान एलिस इस मैच में ज़रूर प्ले करेंगे। उसके बाद दोस्तों बैट्समैन से बॉलर की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या, ये हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट बॉलर है जो पूरे 20 ओवर कंप्लीट करेंगे, और कोई बॉलर हमारी टीम में दोस्तों नहीं है। उसके बाद अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे हो सकता है कि दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत दोनों में से कोई एक अगर मतलब नहीं खेलेगा तो यहाँ पे देखा जाए तो भुवनेश्वर कुमार को इस मैच में फिर से स्थान दिया जा सकता है, या फिर रविचंद्रन अश्विन को भी स्थान दिया जा सकता है, और हमारी टीम चाहेगी कि यहाँ पे 6th बॉलर को जो है वो अपनी टीम में ऐड किया जाए। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं पैट कमिंस है, एडम झिम्पा है, जॉश हेजलवुड, सीन अबाउट है, डेनियल सैम्स है। अब दोस्तों ये 5 इंपॉर्टेंट बॉलर है, लेकिन इन बॉलर से भी मतलब देखा जाए तो ये पूरे ओवर कंप्लीट करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं की और यहाँ पे सी ग्रीन ने भी बॉलिंग नहीं की, लेकिन ये भी बॉलिंग कर सकते हैं दोस्तों एज अ प्रेशराइज, अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के विकेट जाते या फिर विकेट नहीं भी जाते तो पार्ट टाइम के रूप में ग्लेन मैक्सवेल से भी बॉलिंग कराई जा सकती है, और सी ग्रीन ने भी फर्स्ट मैच में विकेट निकाला था तो इस मैच में भी विकेट निकाल सकते हैं अगर बॉलिंग करेंगे तो। अदरवाइज सीन अबाउट और यहाँ पे डेनियल सैम्स, इन दोनों में से कोई एक प्लेयर तो प्ले नहीं करेगा। बात अगर करेंगे स्कोर कार्ड तो वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जब भी आप स्मॉल लीग या फिर ग्रैंड लीग की टीम बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ऑस्ट्रेलिया का स्क्रीनशॉट निकाल देना चाहिए, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जब आप स्मॉल लीग या फिर ग्रैंड लीग की टीम बनाएंगे। विकेट कीपर सेक्शन की बात करेंगे, मैथ्यू वेड 5th नंबर पे आएंगे, जस्ट मिनट गाइस, ओके। बात अगर करेंगे विकेट कीपर सेक्शन की तो मैथ्यू वेड 5th नंबर पे आएंगे, दिनेश कार्तिक 6th नंबर पे, ऋषभ पंत की बात करेंगे 7th नंबर पे, दोनों में से कोई एक प्ले करेगा हमें कंफर्म न्यूज़ नहीं मिली है, तो यहाँ पे आपको सोचना समझना बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हम स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं, ग्रैंड लीग की टीम नहीं बना रहे, तो मैथ्यू वेड को लेना है, इन दोनों के बारे में अभी फिलहाल के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। बैटिंग सेक्शन की अगर बात करेंगे तो हम देखेंगे कौन किस नंबर पे आता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, तो यहाँ पे आपको पूरी फोकस के साथ समझना है, क्योंकि मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि केएल राहुल को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, विराट कोहली को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बात करेंगे रोहित शर्मा की, ओपन करेंगे इंपॉर्टेंट हो गए, एलन पिच ओपन करेंगे, केएल राहुल ओपन करेंगे, सूर्य कुमार यादव 4th, विराट कोहली 3rd, उसके बाद स्टीवन स्मिथ 3rd नंबर पे, टीम डेविड 6th नंबर पे। अब देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, रोहित शर्मा को लेना चाहिए, एलन फिंच को लेना चाहिए, केएल राहुल को लेना चाहिए, अब बात आएगी दोस्तों यहाँ पे सूर्य कुमार यादव को लेना चाहिए या फिर विराट कोहली को लेना चाहिए, दोनों में से किसको लेना चाहिए। देखिए मैं आपसे ये कहूँगा कि विराट कोहली जैसा प्लेयर को ड्रॉप करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा, अफगानिस्तान के खिलाफ यहाँ पे इन्होंने देखा जाए तो मुझे लगता है कि एक अच्छी पारी खेली थी, 122 रन की नाबाद पारी खेली थी अफगानिस्तान के खिलाफ और एशिया कप में खेली थी, लेकिन अभी रिसेंटली इनका जो फॉर्म देखा जाए, फर्स्ट मैच में भी अच्छा नहीं प्रदर्शन किया था, लास्ट मैच आपने देखा होगा जो कि 8 ओवर का हुआ था तो एक गलत शॉट खेला था, मेरे हिसाब से गलत शॉट भी नहीं खेलेंगे कहेंगे उसको, लेकिन अगर सूर्य कुमार यादव की बात करेंगे लास्ट मैच 0 पे आउट हुए, लेकिन सूर्य कुमार यादव एक अच्छे बैट्समैन है, इनकी अगर बैटिंग टेक्निक देखेंगे तो थोड़ा अटैकिंग मैनर में प्ले करते तो सूर्य कुमार यादव एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मेरा ट्रस्ट इस मैच में लगता है कि विराट कोहली पर जा रहा है, और मुझे लगता है कि विराट कोहली अगर थोड़ा बहुत स्लो खेलेंगे, क्योंकि अगर ये मैच 20 ओवर का हुआ तो विराट कोहली इतना मतलब जल्दी जल्दी प्ले नहीं करेंगे, 1 से 2 ओवर सेट होने के लिए लेंगे, लेकिन सेट होने के बाद अगर विराट कोहली की अगर बात करेंगे तो वो कितना ज़्यादा अच्छा खेलते हैं ये बताने की जरूरत नहीं, इसलिए दोस्तों मैं विराट कोहली को लूँगा, आप चाहे तो सूर्य कुमार यादव को पिक कर सकते हैं, ठीक है। अब बात अगर करेंगे तो स्टीवन स्मिथ को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा टीम डेविड को, और अगर आप यहाँ पे सूर्य कुमार यादव को पिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, चलो देखिए यहाँ पे सी ग्रीन को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, ग्लेन मैक्सवेल को ड्रॉप करना पड़ेगा, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पे सूर्य कुमार यादव मतलब 4 ही बैट्समैन को पिक करूंगा, और यहाँ पे देखा जाए तो हमें 3 ऑलराउंडर को पिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे नीचे में ऑलराउंडर सेक्शन की,
हार्दिक पांड्या को पिक करना है आपको, अक्षर पटेल को। हार्दिक पांड्या फिफ्थ नंबर पे आएंगे, बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट दे सकते हैं। अक्षर पटेल एट नंबर पे आएंगे। सी ग्रीन की बात करेंगे, ओपन करेंगे मैक्सवेल फोर्थ नंबर पे, डेनिस सैम सेवन नंबर पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, सी ग्रीन, इन तीनों को आपको पिक करना चाहिए, ठीक है। अब सी ग्रीन की जगह पे आप चाहे तो यहाँ पे सूर्य कुमार यादव को पिक कर सकते, मतलब चार बैट्समैन आप पिक कर सकते। लेकिन बात अगर सी ग्रीन की करें तो देखिए, इनका प्रदर्शन अगर आप देखोगे तो फर्स्ट मैच में 61 रन, एक विकेट, लास्ट मैच में फ्लॉप हुए। और इस मैच में अगर बॉलिंग नहीं करेंगे और सिर्फ बैटिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव सी ग्रीन से काफ़ी ज़्यादा अच्छे बैट्समैन है दोस्तों। ऐसे में ये बॉलिंग करेंगे नहीं करेंगे कंफर्म नहीं है। अगर बॉलिंग करेंगे, लग बाई चांस इनको एक विकेट भी मिल गया और इन्होंने 25 से लेकर 35 रन बना दिए, तो फिर अगर सूर्य कुमार यादव फ्लॉप हो गए तो ये थोड़ा बहुत रिस्की मैच होने वाला है। और इसलिए मैं कहूंगा दोस्तों कि आपको सी ग्रीन को लेना है, अदरवाइज आप सूर्य कुमार यादव के बारे में सोच सकते हैं जब इंडिया की टीम पहले बैटिंग करने का डिसीजन लेगी दोस्तों। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल की अगर बात करेंगे तो देखिए, ग्लेन मैक्सवेल को ड्रॉप करना भी रिस्की होगा फर्स्ट मैच में। देखिए दोनों ही मैचेस में इन्होंने देखा जाए तो यहाँ पे बॉलिंग नहीं की, लास्ट मैच है तो एक तरह से 8 ओवर का मैच होता है इसलिए बॉलिंग नहीं की। इस मैच में बॉलिंग करेंगे, 2 ओवर कंप्लीट कर सकते हैं, विकेट मिल सकता है इनको। साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो बैटिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं, हालांकि दोनों ही मैचेस में फ्लॉप हुए। डेनिस सैम्स की बात करेंगे, खेलेंगे नहीं खेलेंगे कन्फर्म नहीं है। बॉलिंग सेक्शन की बात करेंगे, कुछ रिस्क नहीं लेना है, सोचना समझना नहीं है। जसप्रीत बुमराह को लेना है, एडम जेम्पा को लेना है, जॉश हेजलवुड को लेना है, तीनों को ही ले लेना है। अब आप कहेंगे कि भाई रिस्क तो लेना चाहिए, रिस्क हम लेने वाले हैं और लिया भी है रिस्क। हमने रिस्क कहाँ पे लिया है आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप करके यहाँ पे देखा जाए विराट कोहली को। लेकिन हो सकता है कि इवनिंग में अगर आप वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव के मतलब विराट कोहली का सिलेक्शन सूर्य कुमार यादव से ऊपर जाएगा। तो ऐसे में रिस्क की अगर बात करेंगे तो इस मैच में उतना ज़्यादा रिस्क है ही नहीं। अगर आप सूर्य कुमार यादव को लेंगे फिर भी आप देख सकते हैं विराट कोहली को हमने ड्रॉप किया, तो यहाँ पर कोई रिस्क की बात नहीं है। रिस्क कौन सा होगा कि अगर हमने यहाँ पर जो है वो ग्लेन मैक्सवेल को पिक किया, ठीक है, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल अगर रिस्की प्लेयर है और ये चल गया तो हमारी टीम क्लीन स्वीप करेगी। अदरवाइज इन दोनों का सिलेक्शन ही काफ़ी ज़्यादा हाई है तो ऐसे हमने क्या किया कि विराट कोहली को टीम में रखा है। अगर सूर्य कुमार यादव फ्लॉप हो गए, विराट कोहली चल गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टीम में सूर्य कुमार यादव या विराट कोहली हो सकते हैं। तो मैं आपको जब टीम दिखाऊंगा सारा कन्फ्यूजन और क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह और मेरे हिसाब से हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल दोनों को ड्रॉप करना पड़ेगा, ऑप्शन हमारे पास है नहीं। एडम जेम्पा विकेट निकाल सकते हैं क्योंकि अगर स्पिनर को सपोर्ट मिलेगा तो लास्ट मैच एडम जेम्पा ने अच्छी बॉलिंग की थी। जॉश हेजलवुड की बात करेंगे, विकेट टेकर बॉलर है। उसके बाद पैट कमिंस, सही नबार्ड दोनों को ड्रॉप करना पड़ेगा। ओपनिंग डेथ बॉलर्स की बात करेंगे, जसप्रीत बुमराह है, हार्दिक पांड्या, ये दोनों हमारी टीम में होगी, हर्षल पटेल नहीं होंगे। जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल हमारी टीम में नहीं होने वाले। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, जॉश हेजलवुड है दोस्तों, पैट कमिंस से। उसके बाद डेथ बॉलर्स की बात करेंगे, नथानेली, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस से डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं। बात अगर करेंगे दोस्तों, ये 10 प्लेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। विराट कोहली को ड्रॉप करके आप चाहे तो यहाँ पे सूर्य कुमार यादव को पिक कर सकते हैं। ग्राइंडिंग प्लेयर्स की बात करेंगे, फिलहाल के लिए ग्राइंडिंग कोई भी प्लेयर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। देखिए जो ग्राइंडिंग का वीडियो आएगा वो 11 बजे आएगा, ग्राइंडिंग या फिर मेगा लीग। तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो मैं आपको उस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको ये जो 7 प्लेयर है वो क्यों लेने चाहिए, कौन सा प्लेयर कितने पॉइंट दे सकते, किस तरह से आपको लेना चाहिए, कैप्टन वाइस कैप्टन किस तरह से बनना चाहिए, सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और प्लेयर बैटल भी मैं आपको जो है वो ग्राइंडिंग के या फिर मेगा लीग के वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। कैप्टन वाइस कैप्टन स्मॉल लीग के लिए बात करेंगे, रोहित शर्मा, अक्षर पटेल, सी ग्रीन, हार्दिक पांड्या, के राहुल कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे ग्रैंड लीग के लिए तो विराट कोहली है, जसप्रीत बुमराह, एडम जेम्पा, एलन फिंच, मैथ्यू वेट कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छे ऑप्शन होंगे। लेकिन आपको ग्रैंड लीग में ट्राई करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमने टीम बनाई है, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाने का डिसीजन बेस्ट होने वाला है क्योंकि ये बॉलिंग भी करेंगे, अगर 4 ओवर फुल कंप्लीट करेंगे तो विकेट मिलना तय है, एक आध विकेट मिल सकता है। और बैटिंग के बारे में बताने की मतलब जरूरत नहीं है, बैटिंग भी अच्छी करते हैं तो कैप्टन ही होगी। सी ग्रीन को वाइस कैप्टन बना सकते हैं आप देख सकते हैं, सी ग्रीन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वाइस कैप्टन बनाया है और मेरे हिसाब से सी ग्रीन ही मेरे वाइस कैप्टन होंगे। अदरवाइज अक्षर पटेल लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले थे, उससे पहले भी 3 विकेट निकाले थे, तो एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। मान लीजिए कि सी ग्रीन ने भी बॉलिंग की तो इनको विकेट मिल सकता है, तो इसलिए हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। ऑलरेडी ये मैच रिस्की होने वाला है। अब देखिए ये जो मैच होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं जहाँ पे हमने क्या किया, आपको बता दूं कि इंडिया का बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग है लेकिन कौन सा प्लेयर कब आउट हो जाए पता नहीं। जैसे विराट कोहली कब आउट हो जाए हमें नहीं पता चलता, मतलब देखा जाए तो विराट कोहली का फॉर्म तो अच्छा नहीं चल रहा है उतना, क्योंकि लास्ट के 2 मैचेस में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन विराट कोहली अगर टिक कर 2 ओवर भी ये टिक गए तो फिर जो है वो अच्छा खेलते हैं और आपको एक अच्छी पारी देखने को मिल सकती है। अब इस टीम में अगर आपको चेंजेस करना है तो मैं आपसे बता देता हूँ कि चेंज आप क्या कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते कि आप सोचते हो कि ऑस्ट्रेलिया की अगर टीम पहले बैटिंग करेगी तो ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से मैं आपको एक शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर हम प्लेइंग 11 की बात अगर करेंगे और आपको अगर लगता है कि एलन फिंच फ्लॉप हो जाएंगे, स्टीवन स्मिथ फ्लॉप हो जाएंगे, तो आपने क्या किया, दोनों ही बैटिंग सेक्शन वाले बैट्समैन को ड्रॉप किया,
ठीक है, आपने क्या किया यहाँ पे, जो बैटिंग सेक्शन में बैट्समैन है उनको ड्रॉप किया, ठीक है। लेकिन आपकी टीम में कौन है, आपकी टीम में जो है वो यहाँ पे सी ग्रीन है, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल आपकी टीम में नहीं है, फिर आपकी टीम में मैथ्यू वेड है। तो आपकी जो टीम बनेगी दोस्तों, आप देख सकते हैं आपने पूरी की पूरी जो टीम बनाई है इंडिया के फेवर में बनाई है। आप देख सकते हैं रोहित शर्मा, उसके बाद के एल राहुल ओपनर है, उसके बाद जो आएंगे वो थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे। तो आपने जो टीम बनाई है 1, 2, 3 और 4 नंबर की टीम बनाई, अगर इस टीम को बनाने का डिसीजन आप इसलिए ले सकते हैं क्योंकि इंडिया की टीम अगर बैटिंग करेगी तो आपको पता चलता है कि नहीं यार इस पिच पे बैट्समैन को सपोर्ट मिलेगा, तो हो सकता है रोहित शर्मा के एल राहुल जो है एक अच्छी पारी खेल सकते हैं 70 रन की, हम जहाँ पे ज़्यादा पकड़ लेते हैं चलो मान लीजिए कि 50 रन की पारी खेलेंगे, ठीक है। उसके बाद रोहित शर्मा आउट हो गए, फिर के एल राहुल के साथ विराट कोहली आएंगे, उसके बाद विराट कोहली आउट हो गए, फिर लोकेश राहुल आउट हो गए, तो फिर यहाँ पे सूर्य कुमार यादव आएंगे। तो 150 पे अगर 4 विकेट गए तो फिर अच्छे ये हो सकता है, अदरवाइज ये हमारी टीम काफी ज्यादा रिस्की होगी। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि सूर्य कुमार यादव की जगह पे आरन फिंच और ये हमारी टीम का प्रयोग होगा, लेकिन ये फाइनल टीम तो नहीं है। फाइनल टीम कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए और लिंक पे क्लिक करके सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों ज्वाइन हो सकते हो। हमेशा की तरह बात करेंगे, 50,000 रुपये का फिगर रखा है तो आप इजीली पार्टिसिपेट करके दोस्तों विन कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे जो बेल का आइकन उस पर क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।